श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय 27 विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्र। ताटकावन में वह रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ताटकावध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने शत्रुओं को, चाहे वे देवता, असुर, गंधर्व अथवा नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन करके उन पर विजय पा जाओगे। रघुनंदना, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र दूंगा। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, साथ ही तुम्हें ऐशिकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। ककुत्स्थ कुलभूषण, इनके सिवा दो अत्यंत उज्ज्वल और सुंदर गदाएं, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदना, सूखी और गीली दो प्रकार की अशनी तथा पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ। अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र, जो शिखरास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अंग अस्त्रों में प्रधान जो वायव्यास्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ। ककुत्स्थ कुलभूषण राघव, हयशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किनकिनी आदि सब अस्त्र, जो राक्षसों के वध में उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। महाबाहु राजकुमार, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रघुनंदना, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रश्मन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ। महायशस्वी पुरुष सिंह राजकुमार, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्रमादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो। 15-17 नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम, तामस, महाबली सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और माया में उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज, प्रभ नामक अस्त्र, जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा, विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। महाबाहु राजकुमार श्री राम, ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, महान बल से संपन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो। ऐसा कहकर मुनि व विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने श्री रामचंद्र जी को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने ज्यों ही जप आरंभ किया, त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वत आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए और अत्यंत हर्ष में भरकर उस समय श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहने लगे, परम उदार रघुनंदना, आपका कल्याण हो। हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे, वो सब हम करने को तैयार रहेंगे। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से उनका स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने प्रसन्नचित होकर महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे की यात्रा आरंभ की।